कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पिछले दो दिनों में पीएम की लगातार 6 रैलियों के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नए कैंपेन की शुरुआत की है, जिसे उन्होंने पे सीएम क्राय पीएम का नाम दिया है। यह कैंपेन प्रियंका गांधी के कर्नाटक रैली में एक बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम हर वक्त अपना दुखड़ा रोते रहते हैं। सोशल मीडिया पर शुरू किए क्राय पीएम अभियान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्यूआर कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की तस्वीर लगाई है। उन्होंने प्रियंका गांधी का मोदी की आलोचना करते हुए वीडियो भी शेयर किया। इससे पहले सितंबर 2022 में कांग्रेस ने कर्नाटक सीएम के खिलाफ पे सीएम कैंपेन चलाया था। कांग्रेस के क्राय पीएम कैंपेन पर बसवराज बोम्बई ने पलटवार किया है। बोम्बई ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा, पीएम कभी नहीं रोए, ये कांग्रेस है जो पिछले 9 साल से रो रही है और लोगों को भी कांग्रेसियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है।